खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। क्या शेयर करूंगी, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और न्यू आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, रमज़ान जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और यहां पर मैंने ये काले छोले मैंने बॉईल किए हैं, ये आप देख सकते हैं गल चुके हैं। और अब मैं इसकी थैलियां बना के मैं रखूंगी। ये इस तरह की जो है मैंने थैलियां लेनी हैं, ठीक है, और इसमें से एक एक करके हम लेते जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और चम्मच की मदद से हम ये इस तरह से अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब भी होंगे, ऐसे होंगे हम भी होंगे। तो मैं फाइनली डैडी के पास गई थी, तो मम्मा चने बना रही थी, तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ डैडी, तो ना मैं देखती हूँ मम्मा कोई नई रेसिपी तो नहीं बना रही। फिर आके देखा मम्मा चने की रेसिपी बना रही थी। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे करके हम रखते जाएंगे। जी फ्रेंड, तो ये हो गई हैं, इसकी थैलियाँ तकरीबन बनी हैं, 7 थैलियाँ बनी हैं। तो इसमें ये होता है कि इजी हो जाता है रमज़ान में, रमज़ान की सोचा पहले से तैयारी करके रखें तो फिर इबादत करने में आसानी रहती है। उससे इफ्तारी से ये होता है कि 20 मिनट पहले तैयारी करना स्टार्ट करें ना, ये बने हुए होते हैं तो इतना इशू नहीं होता। तो इस वजह से अभी सेम वाइट चने का भी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, हमारे वाइट चने भी बॉईल हो गए, और ये आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल गल चुके हैं। और किस किस ने रमज़ान की तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दी, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये आप देख सकते हैं, अब हम लेंगे थैली और इनका भी सेम वैसे ही प्रोसेस होगा। ये आप देख सकते हैं, एक एक करके हम थैली बनाएंगे। हम एक एक थैली लेंगे, चम्मच की मदद से हम इस तरह से डालेंगे, ऐड करेंगे। हो चुका है, हाँ, तो ये हो गया है। इसको हम इस तरह से करके ऐसे करेंगे, बांधेंगे, और हम यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। या फ्रेंड्स, तो इसके भी पैकेट्स हमने बना लिए हैं, ये आप देख सकते हैं कि इतने पैकेट बने हैं। और इस तरह के, क्योंकि हम दो लोग हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिली तो है नहीं, तो एक पैकेट जो है काफ़ी हो जाता है, तो आसानी से उसमें यही होता है पहले से बना के रख लेते हैं ना, तो फिर इजी हो जाता है रमज़ान में ना, इतनी मुश्किल नहीं होती। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने फिर हमें ज़िंदगी दी, तो फिर हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारी सबकी मदद करे, और हमारे लिए ये आने वाला रमज़ान, इसके रोज़े, उसमें आसानी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, और रोज़े रखने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे।
आमीन सुमामीन।